वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं जीके स्टोरी, एक नई अप्रोच है ये, ताकि आपको जो इन्वेंशंस हैं वो किसने इन्वेंट किए वो परमानेंटली याद हो जाए। और आज मैं आपके साथ कर रही हूँ पार्ट थ्री, हु इन्वेंटेड लॉगरिदम्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि लॉगरिदम की खोज किसने की। ठीक है, लॉगरिदम की खोज किसने की, आप इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर जो है वो है जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर ने ये खोज की थी। जॉन नेपियर कौन थे, ये मूल रूप से स्कॉटलैंड से थे। ठीक है, मूल रूप से ये स्कॉटलैंड थे और मैथमेटिशियन तो थे ही, डेफिनेटली फिजिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, एस्ट्रोनॉमर वो व्यक्ति होता है जिसको प्लैनेट्स की पोजीशंस वगैरह उन सबको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ ये एक थियोलॉजिकल राइटर भी थे। थियोलॉजिकल राइटर कौन होता है, ये वो होता है जो धर्म से रिलेटेड, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड पुस्तकें वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये और इनको इनका जबरदस्त रिलीजियस इंटरेस्ट था। और कुछ लोगों का, कुछ किताबों में तो इनके बारे में ये तक लिखा गया है कि ये एक मैजिशियन भी थे। इनका काला जादू और इन सब तरह की चीजों में बड़ा ही विश्वास था। और जब भी ये ट्रैवल करते थे तो अपने साथ एक बॉक्स में एक ब्लैक कलर की स्पाइडर लेकर जाते थे, क्योंकि शायद इनका कोई विश्वास था, मे बी। ओके, अब इन्होंने लॉगरिदम्स की खोज की है। लॉगरिदम्स की खोज हुई कैसे, लॉगरिदम्स की खोज ऐसे हुई क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमर थे और इनको बहुत लंबे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने की जरूरत है। और लॉगरिदम है ही किस चीज के लिए, लॉगरिदम है अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। ओके, बहुत ही नोबल परिवार में इनका जन्म हुआ और प्राइवेटली इनको पढ़ाया गया जब तक ये 13 वर्ष के नहीं हुए। उसके बाद फिर ये बाहर गए पढ़ने के लिए, जबरदस्त इनका रिलीजियस इंटरेस्ट था। और उसके इन्होंने, क्योंकि इनको बड़े एस्ट्रोनॉमी में लंबे लंबे डिस्टेंसेस इनको कैलकुलेट करने पड़ते थे, तो इन्होंने एक मैथमेटिकल डिवाइस ये डेवलप किया जो कि मदद करता कैलकुलेशंस में। तब आया आपका लॉगरिदम। तो किसने खोज की, खोज की जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक ट्रैम वॉज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रिक ट्रैम, इलेक्ट्रिक ट्रैम जो है ये किसकी देन है। इलेक्ट्रिक ट्रैम जो है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, फायोदर पिरोस्की, इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक ट्रैम दिया। और ये मूल रूप से रशिया के थे। ठीक है, उस जमाने का जो रशिया था ये वहां से थे। वर्ल्ड के ये पहले इन्वेंटर हैं जिन्होंने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन किया और इलेक्ट्रिक ट्रैम आपको दिया। इनके पिता जो थे वो मिलिट्री में डॉक्टर थे और उसके बाद इन्होंने भी एक आर्टिलरी ऑफिसर के रूप में आर्मी को ज्वाइन किया और वहां पर इनकी दोस्ती एक रशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हुई। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से अलग अलग जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है उसमें इनका बड़ा ही इंटरेस्ट जागा। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि सड़कों पर जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं गाड़ियों को खींचने के लिए, जैसे ट्राम्स वगैरह है, उस तरह की चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसपोर्ट में, और एक 2-डेकर हॉर्स ट्रामवे था जिसको कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से पावर करने की कोशिश की और ये कामयाब भी रहे। अब जब ये कामयाब हुए तो लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ी और लोग इनसे कहने लगे कि हम अब घोड़े वाले में जाना नहीं चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी वाले में जाना चाहते हैं। तो लोकल प्रोटेस्ट हुई, और ये प्रोटेस्ट किसने की, ये जो प्रोटेस्ट थी ये उन्होंने की जो घोड़े तांगों के मालिक थे। ठीक है, जो उन के मालिक थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हम तो बेरोजगार हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए तो इनके पास पैसे भी नहीं थे कि अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सकें। यस, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने इंटरेस्ट तो जगा ही दिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने इंटरेस्ट तो जगा ही दिया था। और उसके बाद ये एक जर्मन एंटरप्रेन्योर से मिले जिसका नाम था सीमेंस, और सीमेंस से इन्होंने डिस्कस किया किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है। और फाइनली इन्होंने दिया हमारा फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम, ये इन्होंने दिया। लेकिन इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं आए, और उसके बाद क्योंकि ये मिलिट्री में थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिलरी ऑफिसर थे आर्मी में, पेंशन पर इनकी बाकी की जिंदगी गुजरी, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि इनके जो अंतिम संस्कार वगैरह है वो किया जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रैम किसने दिया हमें, फायोदर पिरोस्की। ये रशियन प्रोनाउंसिएशन ज़रा मुश्किल होती हैं। Who invented lawn mower? Lawn mower की खोज किसने की, आप जानते हैं lawn mower क्या होता है। अगर कभी किसी व्यक्ति का बड़ा सा गार्डन हो तो किस तरह की मशीन होती है, उसमें यहाँ पर एक गोल सी चीज लगी होती है, उसको पीछे से पुश किया जाता है तो वो घास जो है उसको काट देती है। lawn mower की खोज किसने की, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसकी खोज की एडविन, ये भी एडविन थे, एडविन बियर्ड बडिंग, इन्होंने खोज की। आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा सी है। इनको ये आइडिया कैसे आया भाई, एडविन
बियर्ड बडिंग को, ये एक दुकान में गए, ओके, और कपड़े की दुकान में गए, वहां पर इन्होंने क्या देखा, वहां पर इन्होंने देखा एक मशीन लगी हुई है और उस मशीन के अंदर एक कटिंग सिलेंडर लगा हुआ है जो कपड़े को काटने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से इनको आइडिया आया कि ये तो भाई घास काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये लॉन मोवर दिया, और लॉन मोवर एक्सटेंसिवली स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में, जो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स है वगैरह, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ इन्होंने न सिर्फ लॉन मोवर हमें दिया है, इन्होंने हमें एडजस्टेबल स्पैनर भी दिया है, ओके। एडजस्टेबल स्पैनर क्या होता है, आपने देखा होगा एक इस तरह, अगर किसी गाड़ी का आप टूल बॉक्स देखे तो इसमें उसमें किस तरह की चीज होती है, ठीक है ना, जो यूज की जाती है, इसको अंग्रेजी में हम स्पैनर कहते हैं। इन्होंने दिया एडजस्टेबल स्पैनर जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो खोज है आपके लॉन मोवर एडजस्टेबल स्पैनर की, इनके किसके नाम जाती है, एडविन बियर्ड बडिंग, ये इनके नाम जाती है, ठीक है। ये थे हमारे Who invented lawn mower? Next है, dishwasher was invented by, dishwasher का आविष्कार किसने किया होगा? Yes, ये एक महिला ने किया है, okay? और ये किसने किया है? ये किया है जोसेफाइन कॉकरेन ने, ये इनका नाम है, ठीक है। अब इनकी स्टोरी आपको बताते हैं। ये इनका जो है, ये इन्वेंटर है फर्स्ट सक्सेसफुल ऑटोमेटिक डिशवॉशर की, ओके, और इन्होंने एक मैकेनिक की मदद ली थी उसको इन्वेंट करने में, ठीक है। अब मैकेनिक का नाम तो जी कोई नहीं जानता, यस मैडम जरूर, ये खोज कर आज भी आपको बुक्स में मिल जाएंगी। तो इनका नाम है जोसेफाइन कॉकरेन, ठीक है। इन्होंने दिया आपको ऑटोमेटिक डिशवॉशर। इनकी शादी हुई 1858 में, शादी जो है एक प्रॉस्परस व्यक्ति से हुई, समृद्ध थे वो अच्छे खासे, और उनका ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी बड़ा इंटरेस्ट था, डेमोक्रेटिक पार्टी के वो पॉलिटिशियन थे, और बहुत सारी डिनर पार्टीज इनके घर हुआ करती थी कि आइए आइए, बहुत लोग होते हैं ना उनको मेहमान नवाजी करना अच्छा होता है लगता है, तो बहुत सारी डिनर पार्टीज हुआ करती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक डिनर पार्टी के बाद जो इनके सर्वेंट्स थे उनसे एक प्लेट का कोना जो है वो टूट गया, ओके, प्लेट का कोना टूट गया। मैडम को लगा ओहो ये तो बड़ा नुकसान हो गया, तो मैडम ने सोचा क्यों ना मैं एक सेफर अल्टरनेटिव ढूंढूं, ठीक है। अब व्यक्ति है भाई, उसे टूट गया तो टूट गया, मशीन ही होगी जो 100% एक्यूरेसी देगी। तो इनका ध्यान इस बात पे गया कि क्यों ना एक डिशवॉशर बनाया जाए। साथ ही इनको ये भी लगा कि चलो मैं तो प्रॉस्परस हूं, मेरे पास तो नौकर चाकर है बर्तन धोने के लिए, लेकिन अगर एक अच्छा डिशवॉशर बन जाए, ऑटोमेटिक डिशवॉशर, तो हमारी जितनी भी टायर्ड हाउसवाइव्स हैं, थकी हुई गृहणियां हैं, जो पहले खाना बनाती हैं, पूरे परिवार को खिलाती हैं, जब पूरा परिवार डिनर करने के बाद सोने जा रहा है तो बर्तनों में लग जाती हैं, क्यों ना एक ऐसा डिशवॉशर बनाया जाए जो टायर्ड हाउसवाइव्स को भी थोड़ी राहत दे, ओके। इसके बाद इन्होंने काफी लोगों को अप्रोच किया कि बनाओ ये बहुत अच्छा आइडिया है, बनाओ ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर किसी को इनका आइडिया इतना अच्छा नहीं लगा कि वो बनाए, तो फिर इन्होंने कहा चलो मैं ही बनाती हूँ, ओके। उसके बाद ये सब होते होते इनके हस्बैंड की हो गई डेथ, हस्बैंड अल्कोहलिक हो गए, शराब बहुत ज्यादा पीने लगे, उनकी हो गई डेथ, और मरते मरते इनके सर छोड़ गए काफी सारा कर्जा। अब इनको लगा कि मैं एक तो ये डिशवॉशर बनाऊंगी, इसको पेटेंट कराऊंगी, इसको बेचूंगी और ये मैं कर्जा उतारूंगी, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने ये डिशवॉशर बनाया, इन्होंने ये डिशवॉशर बनाया, और शुरू में इनके दोस्त जो हैं इनके सरनेम के नाम से इनको COCHRANE कोचरेन डिशवॉशर, इनके डिशवॉशर को कहते थे कोचरेन डिशवॉशर, और काफी वाही वाही मिली उस डिशवॉशर को। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की, यस, और कंपनी का नाम था इनका गैरिस कॉचरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उसके बाद इन्होंने ये कंपनी बनाई, दुनिया भर के डिशवॉशर बनाए और दुनिया को बेचे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।